नहीं है, बन रही है। यहाँ का नाम देवथल है और बहुत ही प्यारी जगह है। यहाँ से भी 6-7 किलोमीटर दूर पड़ता है हमारा घर। अगर यहाँ कुछ भी ना मिले, बस या गाड़ी या कुछ भी, तो पैदल जाना पड़ता है। नदी भी बहुत आती है कई बार यहाँ पे, पर आजकल तो इसमें पानी भी नहीं है बिल्कुल नहीं। यहाँ टमाटर भी लगाए लोगों ने, एक खेत भी है चारों तरफ को। और यहाँ आंटी बैठी हुई थी कोई, बहुत ही प्यारी जगह है। ये देखो खेत पर दिख रहे जो, ये भी सोलनी ही है। और यहाँ श्यामती बोलते हैं, पाली साइड जो दिख रहा है गांव है। और ये नीचे स्कूल है। अभी मैं बाईपास कुम्हारटी टंडल के पास से पीछे खड़ी हूँ, वहाँ से वीडियो बना रही हूँ। और जंगल में आग लगी हुई है बाईपास से। हमारे चंडीगढ़ के लिए दो सड़कें जाती हैं, एक ब्लॉक से होके और एक बाईपास से होके। तो जाने का रास्ता यहाँ से भी बहुत ही अच्छा है। ये तपन एजेंसी है गाड़ियों की। अगर आपको चंडीगढ़ धर्मपुर जाना है तब तो यहाँ से होके आप आराम से टंडल से होके जा सकते हैं। ये दो रास्ते हैं, एक टंडल से होके जाता है, एक निचली साइड से जाता है। पर यहाँ ये वाला जो रास्ता है सिर्फ जाने जाने के लिए है। इसमें एक टंडल बड़ों की टंडल भी लगती है। और ये शॉर्टकट रास्ता है जाने के लिए। देखो कितना हाईवे रोड बना दिया है। पहले बहुत ही, ये पहले वाला रास्ता नहीं होता था, मतलब सड़क नहीं होती थी पहले ये वाली। ये न्यू बनाई है, हाईवे बन गया है। प्यारी सड़क बनाई हुई है। और अब तो उसमें हर एक जगह कैमरे भी लगे हुए, रास्ते में कैमरे भी लगे हुए।
सिर्फ ये जाने का रास्ता है। और आने के लिए एक दूसरी ऊपर वाली सड़क भी है, एक बुड़ोक से होकर और एक दूसरी भी है। ये तो सिर्फ चंडीगढ़ जाने के लिए है। और अब आ गई है टंडल, बुड़ोक टंडल। तो आपको कैसी लगी है मुझे बताना जरूर। बहुत घबराहट सी भी हो रही थी इसके अंदर जाने से। बहुत आसान हो चुका है अब जाना। ये नज़दीक शॉर्टकट वाला है। ये जंगल और गांव है चारों तरफ को। ये जब मैं घर जाती हूँ तब भी लगता है हमारे घर को दो रास्ते हैं, दो सड़कें हैं। एक तो ये टंडल से होकर भी हम अपने गांव के लिए चले जाते हैं और यहाँ से भी होके जाते हैं। ये पाउटा नाहन के लिए सड़क गई है, पाउटा साहिब हरिद्वार के लिए सड़क गई है, देहरादून। मुझे ऐसे ही अच्छा सा लग रहा था। यहाँ पर काफ़ी धूप भी थी, पता नहीं चल रहा था कि आंखों में चमक चमकारा से लग रहा था। और ये बेचारे नेपाल से आए हुए थे, नेपाली मूल से, काम करने के लिए, अपने बाल बच्चे के पालने के लिए दिहाड़ी लगा रहे। तो ये वो पत्थर थे, मुझे भी घर बनाने के लिए पत्थर चाहिए। जब मैं घर बनाऊँगी तो मैं इनसे ऐसे पूछ रही थी यहाँ पर।
कहाँ से आए हुए आप? नेपाल से। नेपाल से? हाँ जी मैडम। अच्छा, रहते कहाँ वहाँ पर? यहीं पे रहते हैं। अच्छा, तो क्या मजदूरी कमा लेते हैं आप दिन की? मतलब पत्थर के हिसाब से। अच्छा, कितने पत्थर बना लेते हैं आप ऐसे बता दो? 20? 25-30 ऐसे। अच्छा, ऐसे बना लेते हो? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। मंदिर कहाँ की मंदिर के लिए चाहिए आपको? ये और ये वाला क्या रेट है? ये वाला तो 11 रुपये करवाता है। तो ये तो देखता है, ये ऐसे बनाता है और ज़्यादा भी रहता है। ये कहाँ पे? कहाँ पे? जैसे हमारा ये हॉस्पिटल है इधर आगे। ये सब आपके साथ थी? सब हमारे साथ। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? यहाँ पे हो गया हमको लगभग 6 महीना। 6 महीना हो गया? अच्छा अच्छा। और आपके बच्चे वगैरह? नेपाल में। तो हो जाता गुजारा आपका? हाँ, नेपाल में आप जाएंगे तो पानी में जाएंगे। अच्छा, यहाँ रूम किराए पे लिया हुआ? ना ना, इसी रूम में। ये तो मालिक का है ना, मालिक का। अच्छा, मालिक का ही ये काम भी? अच्छा, तो कितना देता है आपको? पत्थर के हिसाब से। अच्छा, चल ठीक है। अच्छा, ये तो यही है लोकल ही ना, बताएंगे फिर आपको। अब मैं अपनी मम्मी के घर पहुंच गई थी। ये मेरी मम्मी के घर में इतने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए ना, बहुत ही प्यारे गुलाब। और इसकी वजह से हमारे घर की और भी रौनक बढ़ जाती है। अखरोट का पेड़। और मेरी मम्मी बेचारे इनको सिंचाई करते रहते हैं। ये लगाए हुए स्ट्रॉबेरी का पौधे लगे हुए। ये फूल है, मतलब छोटा 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 कुछ ना कुछ लगा रखा है इन्होंने। देखो यहाँ पे आजकल उनका ऑपरेशन हुआ तो ज़्यादा कुछ उनको देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। और इन्होंने चूल्हा बनाया हुआ है, वैसे ही बाहर पानी गर्म करना हो कुछ भी। और सर्दियों के लिए इन्होंने लकड़ियाँ इकट्ठी करी हुई। और इसके पीछे अखरोट का पेड़ है बहुत बड़ा। और गुलाब के बहुत से सारे चारों तरफ, मतलब घर के चारों तरफ गुलाब ही गुलाब लगे हुए। मैं बच्चे देख रही हूँ। स्ट्रॉबेरी के बहुत से पौधे लगाए हुए इन्होंने। देखो इधर भी लगाए हुए स्ट्रॉबेरी काफ़ी सारे पौधे लगाए हुए। ये मेरे भाभी जी निचले वाले घर से देख रहे थे। ये निचले वाला घर भी मेरी मम्मी का ही है, भाई भाभी रहते हैं वहाँ पे। और ये भी स्ट्रॉबेरी का पेड़ है। अब मैं जा रही थी नीचे, ठीक है ठीक है। मेरे भाभी ने आ नहीं रही थी वीडियो में, मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने फूल कुछ लगा ही रखा है। बहुत अच्छा लगता है इनके चारों तरफ इतने अच्छे रंग बिरंगे फूल, बहुत प्यारा लगता है। देखो ये दूसरे वाला मेहरूम, डार्क मेहरूम वाला फूल, और ये वाला भी फूल ही है। और उधर लहसुन लगाए हुए, ये नाशपति का पौधे है और खुमानी के पौधे हैं, वो मेरा घर है। देखो फिर से गुलाब, पिंक पिंक गुलाब, लाइट गुलाब, मतलब बहुत। और उधर मंदिर दिख रहा है हमारा, ये खुमानी का पौधा है, खुमानी काफ़ी सारे है। और अब मैं भाभी जी जा रहे मुझे अपनी गाय को दिखाने। उनकी गाय के अभी बेबी हुआ है। बच्ची भी हमारे बच्ची बोलते हैं, बेबी गर्ल। उतरन जाता है तुम्हें से ना।
पशु भी मुझे पहचानते हैं, अगर मैं 1 साल बाद जाऊं चाहे 2 साल बाद फिर भी मुझे पहचानते हैं। मिल गए ये वे जानो। हाँ भाई हाँ जी आपको तो मैं कुछ लाई नहीं खाने को तो कुछ भी नहीं लाई मैं आपको। और बच्चा ले जाऊँ आपको बच्चा ले जाऊँ मैं? हैं हट देखो बोल रहा है कुछ हट गुड ओले ओले मम्मा ओले जानू ओले जान हाँ जी उंटू लाइटिंग चलते लाइटिंग नहीं है कमजोर है बच्चा तो ठीक है बच्चा। अच्छा अब देखिए अच्छा चल तो क्या होता हट आगे नहीं करो तो पार्सल पकड़ इसको मैंने जाना पड़े मेरे अम्बाड़ी में चले थोड़े दिन आ रही हम तो चाहेंगे तेरा पापा आज दास का खेलते खेलते चली गया मैं अंधी हो गया वहां के
अच्छा चलो ये मऊ नचो फोड़ बटो अभी ना बड़ा हूँ रेंदे रेंदो भी बाद में ना रहता हूँ जो आवाज बंद कर देनी तेरी ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी
जरा याद करो कुर्बानी। ये गाड़ी मेरे घर के ऊपर गिरने से बच गई, सिर्फ एक टायर के ऊपर ये अटकी हुई थी, कोई भी पैराफिट नहीं लगा हुआ। इसमें तीन लड़के बैठे हुए थे और बहुत बड़ा हादसा टल गया। मेरे घर के ऊपर ये गाड़ी गिर जाती तो ये वीडियो मैं अपने इसमें समेट के रखना चाहती हूँ, क्योंकि फोन में तो डिलीट हो जाती है किसी को दिखाने के लिए, पीडब्ल्यूडी वाले ऑफिस वालों को लिए दिखाने के लिए, क्योंकि फोन में तो ऐसे भी कुछ ना कुछ सब डिलीट हो जाता है। और इसमें ये यादें हैं किसी को दिखाने के लिए भी, और बहुत बड़ा हादसा टल गया। इन तीन इंसान की जिंदगी बच गई। पहले भी यहाँ ट्रक गिरा था, इस गाड़ी से थोड़ा सा आगे एक ट्रक गिर गया था आटे का, उसमें भी एक लड़के की डेथ हो गई थी जो ड्राइविंग कर रहा था। देखो मेरा घर सामने दिखाई दे रहा है साथ में ही, तो यहाँ से एक टायर पे ये गाड़ी टिकी हुई, अगर ये धीरे 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 नीचे जा रही थी, पर इसको बड़े जल्दी सभी लोगों ने इकट्ठे होके इसको ऊपर निकाल दिया। अगर ये इसको कोई टच भी करता था तो भी ये हिल जाती थी, ऐसे डर लग रहा था मुझे भी। पर मैं तो अपने घर के पास ही थी नीचे, मेरा बेटे ने ये वीडियो बनाई थी, क्योंकि उस टाइम मेरा पाँव फ्रैक्चर हुआ था तो मैं गाड़ी के पास तो आ नहीं सकती थी, और मैं क्या बोलूँ इस बारे में। पीडब्ल्यूडी वाले को भी क्या बोलूँ, अगर पीडब्ल्यूडी वाले तो तब ठीक करते, पैरा फिर तब लगाते अगर सरकार कुछ करती। सरकार यही कुछ नहीं कर रही है तो आगे पीडब्ल्यूडी भी क्या करेगी। पूरी सड़क में एक भी पैरा फिट नहीं लगा है। मैंने पीडब्ल्यूडी वाले को काफ़ी एप्लीकेशन दे दिए कि मेरे कम से कम मेरे घर के पास तो आप पैरा फिट लगा दें। तीनों इंसानों की जिंदगी बच गई, बहुत शुक्रिया भगवान का। क्यों चल ले जाओ, इनको हमारी गिर गई ना गाड़ी, हम लेने कुछ नहीं, इनका कहाँ चादर, कहाँ चादर का चादर पे कर लिया। अरे किसी के बीमार से तो कुछ ना बोलने आ रहा है, हर जगह पहले चुप रहो दो मिनट यार। अरे खोल वो यार देख ले, बस माना पट्टा दो हम ना ले ना, पर निकल ही पहुंचे ना ठीक है, वो दिल में थी तो से थोड़ा निकल गई भाई जी। अरे मेरे बात सुनो, बीचो पट्टा पाना ना, पर देख चलो अभी अभी निकलने हो गए। टमाटर के दिन से बोल रहा हूं मत फोन कर, मैं गाड़ी चला रहा हूं यार, तेरी सुनी मैं मेरी बात, फोन कट पर अब रिश्तेदार ना थोड़ी पागल थोड़ी हूँ मैं, ये बाकी जाऊँ तो। अरे क्यों जाना अभी, क्यों जाना जावा जाना है आप। अरे पंकज पुलिस का लेना बुरा इसका सामान यार, गाड़ी कुछ नहीं मेरे से चलो भाई चलो।
कुछ नहीं गलती कुछ नहीं ये गलती आदि कुछ भी घुसते हैं अब क्या करना टाइम को क्यों ना चिंच लाने रहा हो जाता है एक कुत्ते हो जाता है इस कुत्ते को क्या हो रहा है साइड गलती चलाने जो बंद किया तुमने बना ले भाई बना ले तो इधर फोन तो बना रहा भाई ना कर ले फेस वाले को ये अब तो क्यों कर दे गाड़ी बच गुरा की बच गुरा चलो बचाओ हो गया यार तू फोन नंबर ये वाला ज्यादा बचा है चलाने यार कौन था जैसे बताओ फोन बात करा थे हम लोग 6-5 जाने बस दूस जो कोई जी भूल पड़ा ये पता नहीं है तो हम फोन चुके थे बाहर निकल गए थे और बढ़िया बच गया पत्थर के साथ रुकी हुई है यहां पत्थर फंसा होना नहीं है यहां साइड में लग रहे थे हाथ लगा और ना लग रहा ना इसके करने ऊषा हूं थोड़ा तो साइड लग रहे थे इसलिए नहीं फोन अच्छा मैं तो चला हूं पीछे और थोड़ा ना 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 यहां जैसे नहीं कौन दूस तोर पता नहीं कर गया पार बस यार अपनी जगह हम नहीं बच गए हम आ गए चाची फोन ओ चलवा सर सूखे फोन अच्छा सर जो कहीं छोटू गड्डी हां जा दूर जा तू इतनी पाची पानी की जरूरत नहीं है हां भाई अपने घर जाओ हां अपने घर गाड़ी मेरी है ना भाई जो भी है जाओ अपने घर कर रहे हैं दादी चल चल जाओ भाई ये बच्चे को हां जी अब पड़ी अब गिर गई तब क्या करना हमने अरे निकाल देंगे हम आप जाओ अपने अपने घर जाओ हां आ
आ जाओ गाड़ी निकलते आ जाए तुम इसके जाने पीछे चलो आ जाओ से हां चलना गाड़ी किसकी है और मैं से थप्पड़ी साल मारना मोर बोलूंगा कुछ नहीं जगह हेलो यू बनाओ भाई जी यू बनाओ अरे बोलो ना बोलो दियो नहीं क्या हिलाओ ना हिलाओ ना हिलाओ मत छोड़ दो कल छोड़ दो हम भी कर रहे हैं बस एफबी एफबी का काम कर रहे हैं।
अरे भाई दिल्ली आने डंगा तो हरना तेरे रोने दे अंकज रोने दे कोई पत्थर ते सारे स्पोर्ट खत्म करे जीत भाई इंदा हट्टे फ्लैश नहीं मारा तो बाद देना इंदा इंदा भी हट्टे तो रुक दे हां ये तो चीज बोल रहा ना एलो जी तेरे की जब लगी है अभी तो ले आओ संजू ओ संजू हां जी बाद में रखना है चल रख दे कोई बात नहीं अभी तो ले आओ अरे ये जो ले आओगे ऊपर ले साइड के जाओ मेरे पास अरे ये जो पत्थर है ये जा रखो इतने Gracias.
Thank you.
ये है मेरा घर और ये देखो ये यहाँ पे चीड़ वाले पेड़ है, ये हमारे यहाँ धूप छांव वाला मौसम हुआ हुआ है और प्यारा सा व्यू आपको दिखा रही हूँ मैं। और ये पहाड़ी है सोलन वाली, यहाँ को बोलते हैं धारों के धार, किला भी है यहाँ पे। और एक बार ना यहाँ जैसे मैं बैठी हुई ना यहाँ पे, और यहाँ जैसे मतलब कि देखो यहाँ पे राजीव है, राजीव के पास ही नीचे को एक बार ट्रक गिर गया था, आटे का ट्रक गिर गया था, उसमें एक लड़की की डेथ हो गई थी, जो ड्राइवर था उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे। पर ये जो हमारे ना यहाँ पे PWD वाले हैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, एक भी पैराफिट नहीं लगा हुआ सड़कों में, एक भी पैराफिट नहीं लगाया हुआ, और यहाँ हादसे बार बार होते हैं। और यहाँ पर ऐसे आ रही है गाड़ी, देखो कोई भी पैराफिट नहीं लगा हुआ, ऐसे ऐसे बुरे हाल है यहाँ पे PWD वालों के।